अभी आपको ओपन कर लेना है लाइट रूम में इस फोटो को। उसके बाद इसको करेंगे क्रॉप, ये हो गया थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा ये हो गया क्रॉप। क्रॉप होने के बाद यहाँ पर कर देना है टिक। उसके बाद हम जाएंगे कलर वाले इफेक्ट पे, कलर वाले पे वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को -75 तक कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद जाएंगे इसको क्लैरिटी में थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लैरिटी इतना काफ़ी है। उसके बाद थोड़ा देने इसको बढ़ाएंगे, फिगमेंटिक को थोड़ा बढ़ाएंगे और थोड़ा मिड पॉइंट और फीचर को थोड़ा बढ़ाएंगे। हो गया। अब इसको कर देते हैं शेयर। इसको शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क में, जैसे कि आपने जानते हैं ऑटोडेस्क में इसको एडिट करेंगे। अभी हम आ चुके हैं ऑटोडेस्क पे। अब आप यूट्यूब के स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए। अब आप इसमें जो भी PNG वगैरह वगैरह यूज़ होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस फोटो को, मतलब ये PNG को आप ऑटोडेस्क में शेयर कर लीजिए। ये हो गया दूसरा, ये तीसरा वाला, इसको भी शेयर कर लेते हैं। ये हो गया। और एक आई का PNG, इसको भी कर लेते हैं। ये हो गया। एप्लीकेट, ठीक है। तो इस आई को पहले हम लाइटन कर देते हैं, ठीक है। बस अभी इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद दूसरे आई में और एक दूसरा लेंस लगा देंगे, ठीक है। हो गया। चलो उसके बाद जाते हैं इसको। तो ये देखिए थोड़ा ये ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए इसको थोड़ा इरेज करेंगे। इरेज करने के लिए पहले इसका ओपेसिटी को 51 के आसपास रखेंगे। 51 ज़्यादा हो रहा है, 34-35 के आसपास रखेंगे। हो गया। इसकी भी ओपेसिटी को 35 के आसपास रखेंगे। चलो फिर भी ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, ब्रश टूल से यहाँ पे जाइए। देखिए ये वाला ब्रश टूल यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा साइज को छोटा, और अभी देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से थोड़ा साफ कर देते हैं। बीच बीच में इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। बस ऐसा हो गया है। अब दूसरा लेंस को भी थोड़ा सा इरेज करेंगे। ये देखिए हो गया, बहुत ज़्यादा ही था, ठीक है। अभी ये इरेज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये थोड़ा नॉर्मल दिख रहा है। इसका क्या करेंगे हम, ये आई को इंडिया वाले को, इंडिया को हम क्लियर करेंगे। ये दोनों फोटो को हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मर्ज हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो इंडिया वाला PNG, इंडिया लेटर का PNG, इसे थोड़ा साइज के बड़ा करके यहाँ सिर के ऊपर रख देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये रख दिया। अब ये फ्लैग वाला PNG को हम ओवरले कर देंगे, यानी ब्लेंडिंग मोड इसका ओवरले करके आँख के पास लाके थोड़ा सा, ये हो गया। देखिए जैसे कि आग के अंदर इसका थोड़ा लाइट ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। तो इरेज के मैं ये वाला ब्रश टूल यूज़ करूँगा इरेज के लिए। तो फिर इसको कर लेते हैं इरेज, ठीक है। इसको इरेज करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हमारा दूसरा तीसरा PNG, ये तीसरा PNG इसको हम कर लेते हैं एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए साइड में लगाएंगे। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का है,
जैसे कि आप जानते हैं, तो ये वाला थोड़ा यहाँ साइड में लगा देते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं शेयर।